आते जाते हो, साथ नहीं हरि नाम लिया, उल्फत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम हुई, अफसोस के खाली हाथ चले। कूड राजा, जिसको सच समझ रहे हो ना, संत क्या कहते हैं, कूड राजा, कूड प्रजा, कूड सब संसार, कूड मंडप, कूड माड़ी, कूड वसनहार, कूड सोना, कूड चांदी, कूड रूप अपार, कूड काया, कूड कपड़, कूड पहननहार, कूड मियां, कूड बीबी, खप खप होए खार, कूड़े कूड़ी नेह लगाया, बिसर गया करतार, हुन किदे नाल कीजे दोस्ती, एते सब जग। तो कहते जग ने जाना है, मैंने थोड़ा जाना है, मैं तो यही हूं। कोई महात्मा थे, मैं सुनाया करती हूँ, वो जा रहे थे कहीं घूमने जा रहे थे, रास्ते में रात हो गई, कोई जान पहचान नहीं थी, तो सामने राजा का महल दिखाई दिया, ड्योरी में वो महात्मा सो गए। अब सुबह हुई तो राजा जब सैर करने के लिए निकला, उसने देखा महात्मा सोए पड़े हैं, उनको क्रोध आ गया कि तो आपको ये पता नहीं किसका महल है, ये राजा का महल है। महात्मा बोले कि हम भ्रमण पे जा रहे थे, रात पड़ गई थी, कोई जान पहचान थी नहीं, तो हमने ये ड्योरी में हम आके सो गए, हमने ये सराय देखी तो हमने रात यहीं बिता ली। अब राजा को और क्रोध आ गया कि इतने आलीशान महल को आप सराय बोलते हो। राजन, सराय किसे कहते हैं? महाराज, सराय वो होती है जहां कोई स्थाई नहीं, जहां एक आता है और एक जाता है, सराय। तो फिर इससे पहले यहां पर कौन था? मेरे पिता थे। उससे पहले कौन था? मेरे पितामह थे। वो कहां गए? वो तो अब नहीं है। फिर तू तो यहां हमेशा रहेगा। महाराज, वो नहीं रहे तो मैं कैसे रह सकता? चलो फिर तेरे पुत्र तो रहेंगे ना, ये तो विधि का विधान है, यहां कोई हमेशा नहीं रहता। तो फिर ये सराय तीर की तरह चुप गए उसके अंदर ये शब्द, और उस महल को सराय बना दिया, और आप राम भक्ति में गया। कमर बांधे हुए यहां सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं वो। क्या कर तू, यहां तो रहना ही है। क्या क्या रंग दिखाए जिंदगी, क्या क्या रंग दिखाए, सब कुछ हार के जैसे कोई सांझ भई घर आए, जिंदगी क्या क्या रंग दिखाए, जिन पर आस लगी थी तेरी, आज उन्होंने नजरें फेरी, बिन मतलब ना बहाए जिंदगी क्या क्या रंग दिखाए, ऊंचे ऊंचे महल बनाए, देख ही देख जिन्हें सुख पाए, ये है पगले रेत का ढेला, आई पवन उड़ जाए, जिंदगी क्या क्या रंग दिखाए, जग मेले में खो ना जाना, राम ही सांचा ये न भुलाना, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक आए एक जाए। तो क्या कर, गुरु की शरण में आ जा, विधि पूर्वक नाम को ग्रहण कर, उसकी कमाई कर, रख ना दे कि मैंने दीक्षा ले रखी है, उसकी कमाई कर, ऐसे कर्म मैं कहा करती हूं, ऐसे कर्म कर कि शाम ढलने से पहले पहले सर्वशक्तिमान से तेरी मुलाकात हो जाए, बाहर की आंखें बंद होने से पहले पहले तेरे दिव्य चक्षु तेरे अंदर की आंखें खुल जाए, आयु रूपी सूर्य अस्त होने से पहले तेरे अंदर ज्ञान का सूर्य उदय हो जाए। और फिर तू क्या कहे कि कबीरा, जब हम जन्म जग हंसे हम तो, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे। कृपा कृपा।
कृपा कृपा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, जो सुख सतगुरु संग है सो अब कई लोगों ने नाम दीक्षा के लिए अपने नाम पहले नोट करवाए हुए हैं। दीक्षा का अर्थ समझ लेना, ये देखा देखी वाली चीज नहीं, ये बड़ी मूल्यवान और बड़ी कीमती और अंदर की दौलत है। तो एक जीवन को एक दिशा देना, जो हमारी नौका बह रही है, जो भटकाव है उस भटकाव को खत्म करना और एक कुशल मांझी के हवाले अपनी नौका को कर देना। तो जिन्होंने नाम नोट करवाए हुए हैं या जिनके मन में अब भावना बनी है, वो सभी राम नाम रूपी रत्न लेने के इच्छुक बहन भाई इसी हॉल में शांति पूर्वक एक तरफ बहने और एक तरफ भाई एकत्रित हो जाएंगे। अभी 10-15 मिनट में हॉल खाली होते ही उन्हें मैं अपने सामने बिठाऊंगी। माँ बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगी कि जो ज्योति आपके भीतर जग रही है वो इनके भीतर भी जगाओ। कल प्रातःकाल 6:30 से 7:15 बजे तक श्री राम शरणम 290A सेक्टर 4 में ध्यान एवं संकीर्तन।